हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का ब्रॉल स्टार्स के एक और नए वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि जो है मतलब अराउंड 1 वीक हो चुका था, 1 वीक से ऊपर कुछ, कि मैंने यू नो कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। सो सॉरी फॉर दैट कि काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने यू नो डीले, काफ़ी एक बड़ा सा गैप मैंने क्रिएट कर दिया था। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं इस नए वीडियो के साथ। तो और भी बहुत सारी चीज़ें मैं यू नो मतलब शेयर करना चाहता हूँ आप लोग के साथ, गेम प्ले कंटेंट वाइज। तो क्योंकि बहुत सारी अलग अलग मतलब वीडियोस भी मैंने बना के रखे हैं एक नई गेम के ऊपर, जो मुझे शेयर करने हैं बहुत जल्दी। तो आज तो गाइस फिलहाल हम बात करें ब्रॉल स्टार्स की। तो ब्रॉल स्टार्स में गाइस हमें ये नया करेक्टर मिला है, मॉर्टिस करके इसका नाम है। एंड ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी फास्ट है। मतलब जब ये अटैक करता है तो काफ़ी तेज़ी से जो है डैश करके अटैक करता है। तो बहुत सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, इसके मूव्स एंड वगैरह, फिनिशिंग मूव्स वगैरह। तो उससे पहले हमें कुछ एक फ्री आइटम मिली है, एक फ्री बॉक्स मिला है, तो वो हम उसे खोल लेते पहले। ओके, तो पॉइंट्स मिले हैं एंड पावर पॉइंट्स। ठीक है, तो ठीक है, हमें कुछ पावर पॉइंट्स मिला है तो वो हमने ले लिया है। एंड अभी फ़िलहाल हम लोग जो है रैंडम मैचेस खेलेंगे, कोई भी रैंडम मैचेस, एंड उसमें फिर हम लोग जो है देखेंगे कैरेक्टर जो है ब्रॉलर है कैसे परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम लोग लेट्स ट्राई नॉकआउट वाला मैच, तो इसमें सबसे पहले चलते हैं। सो हियर वी गो। तो ठीक है, तो आ चुके हैं नॉकआउट वाले मैच में। अगर आपने नहीं देखा कि यू नो नॉकआउट वाला मैच कैसा रहता है, तो इसके पहले वाला वीडियो मतलब ब्रॉल स्टार्स का जो लास्ट मैंने जो वीडियो डाला था, उसमें मैंने यू नो एक नॉकआउट वाला मैच मैंने खेला है। बेसिकली इसमें 3 राउंड्स रहते हैं एंड हमें जो है सामने वाले जितने भी ओपोनेंट्स रहते हैं उनको हराना है, एंड सिर्फ एक ही चांस मिलता है हम वापस जो है रिवाइव नहीं हो सकते। एंड ये हमें नॉकआउट विन मिल चुका है क्योंकि सामने वाले तीनों ओपोनेंट्स हमने हरा दिए। दूसरा राउंड है ये, अगर हम लोग जीत गए दैन फिर लोग पूरा मैच जीत जाएंगे। ठीक है, थोड़ा दूर रहता हूँ क्योंकि तीनों साथ में आ रहे हैं। चलो चलो बढ़िया। ठीक है, तो एक ही बचा है ओपोनेंट, हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइनली हो गया। इसका जो फिनिशिंग मूव है वो कुछ इस टाइप का है कि यू नो ये कुछ बैट, जो बैट रहते हैं वो बैट्स को छोड़ते हैं अटैक करने के लिए, तो वैसा वाला सीन है। ठीक है, तो गाइस अभी शोडाउन नहीं, नॉकआउट हमने खेल दिया एंड अभी हम लोग चलेंगे दूसरे मैच। ऑब्वियसली हम लोग जितने भी मैचेस खेलेंगे वो सब अलग रहेंगे, तो चलते हैं स्टेज वाले मैच में। सो हियर वी गो। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है, मतलब थोड़ा बहुत ट्रिकी भी है क्योंकि हमें जो है ये जो स्क्रू, ये छोटे से मेटल पार्ट है उसे हमें कलेक्ट करना रहता है जितना ज़्यादा हो सके उतना। थोड़ी कम है इसे। मर गए, चलो वापस। एंड हमारी तरफ से एक रॉबोट जा रहा है क्योंकि हमने वो मेटल पार्ट जो थे आइटम्स थे वो ज़्यादा कलेक्ट किए सामने वाली टीम से। तो ठीक है ठीक है ठीक है, तो काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 84% मतलब देखा जाए तो सिर्फ 16% हमने जो है डैमेज किया है। एंड चलो ठीक है, इसको ओके। तो अभी हम लोग काफ़ी अच्छे से लीड कर रहे हैं, मतलब ये जो आइटम्स कलेक्ट कर रहे हैं उसमें सामने वाली टीम ने सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम वो कलेक्ट किया। तो वापस हमारी तरफ से रोबोट आते हुए, चलो चलो चलो। ओ गया गया गया, ठीक है। I
ओके, तो इस बार तो मुझे लग रहा है हम लोग सामने वाले की टीम का जो के बेस है, मतलब वो जो भी मिसाइल लॉन्चर कुछ भी बोलो, हम उसे डैमेज कर देंगे। यप, एंड इसी के साथ हम लोग जीत गए ये वाला मैच, सीज करके इसका नाम था इस मैच का। एंड ठीक है, बहुत ज्यादा टोकन्स मिल गए, 60 टोकन्स मिले हमें। ओके, तो अभी हम लोग खेलेंगे, एक मिनट गाइस। तो गाइस अभी हम लोग जो है सिर्फ लास्ट दो मैचेस खेलेंगे, तो अभी हम लोग चलते हैं हॉट जोन में, इसके बाद वाला हम लोग शायद से जेम ग्रैब करके वो खेल लेंगे। तो ये रहेंगे आज के दो मैचेस, फाइनल दो मैचेस। सो हियर वी गो। ठीक है, बेसिकली हमें ये जो ब्लू जोन है, मतलब ये ब्लू फिलअप है, उसे हमें अच्छे से पूरा फिल करना है। एंड सामने वाली टीम को वो होने से बचाना है, मतलब रोकना है उनका फिलअप होने से, मतलब हमारा ब्लू है फिलअप एंड उनका रेड। ठीक है, ठीक है, ये वाला हमने कैप्चर कर लिया है, अभी दूसरी जगह पे जाके हमें उसे कैप्चर करना पड़ेगा। एंड ठीक है, फाइनली दोनों हमने कैप्चर कर लिए, इसी के साथ हम लोग ये मैच जीतते हुए। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग खेलेंगे एक लास्ट मैच जो रहेगा जेम ग्रैब। सो हियर वी गो गाइस। ओके, तो गाइस ये है आज का लास्ट मैच, एंड हम लोग बेसिकली 10 जेम ग्रैब करने हैं टोटल। ये कैरेक्टर काफी तगड़ा है, ये जो सामने ओपोनेंट था जो ब्रॉलर है, डैमेज काफी अच्छा रहता है। ओके, लाइफ काफी कम है मेरी, तो मुझे थोड़ा सेफर साइड थोड़ा जाना पड़ेगा। बच गए थोड़े के लिए, सिर्फ थोड़े के लिए बच गए, लिटरली अगर मैं यू नो आउट हो जाता तो चारों के चारों जेम्स जो मेरे पास थे वो सामने वाली टीम के पास चल जाते। ठीक है, काफी सही जा रहे हैं अभी तक, लेकिन वो लोग लीड कर रहे हैं, अभी जो सामने वाली टीम है वो लीड कर रही है, उसके देखो टोटल 9 है जेम्स, हमारे पास सिर्फ 5 है। हम लोग भी थोड़ा थोड़ा नजदीक आ रहे होंगे, बढ़िया 7 हो गए, 3 और चाहिए ताकि हम लोग जो है काउंटडाउन शुरू कर सके। ठीक है, फाइनली हम लोग काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट, हो गया। ठीक है, मेरे पास सबसे ज्यादा जेम्स है इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता इन्होंने लड़ने का, क्योंकि अगर मैं आउट हो गया तो फिर
सारे के सारे जेम्स, 11 की 11 जेम्स चले जाएंगे उनके पास, तो वो काफी ध्यान देना पड़ेगा मुझे। ओ भाई, ओ भाई, कितने सारे 18 जेम्स है टोटल। ओ शिट, जीत गए, बहुत ही अच्छे से जीते, चलो बढ़िया। ओके तो ओके, तो गाइस फाइनली हमने मतलब ऑलमोस्ट हमने सारे मैचेस जीत लिए, जितने टोटल के चार मैचेस हमने अराउंड खेले एंड सारे के सारे हमने जीत लिए। ऑब्वियसली ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव या ऐसा टाइप का नहीं था, तो हमने खेल लिया अच्छे से एंड आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए इतना ही एंड बस ये नया कैरेक्टर मुझे शो करना था एंड जैसे मैंने बताया कि ब्रॉल स्टार के जितने भी वीडियो आते हैं नए नए, ज़्यादातर वो इसी के लिए होते हैं कि जब कोई नया कैरेक्टर आता है मुझे मिलता है तभी मैं ब्रॉल स्टार्स का एक वीडियो लाता हूँ। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस न्यू कैरेक्टर जिसका नाम है मॉर्टिस एंड और भी जब नए कैरेक्टर आते रहेंगे, अचीव अनलॉक होते रहेंगे, तब मैं नए वीडियोज़ लाते रहूँगा ब्रॉल स्टार्स के। तो टिल देन टेक केयर, कीप एंजॉयिंग एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू गेम स्टार। एंड येस गाइज, एक नया गेम जो मैंने स्टार्ट किया है वो मतलब ये एक वीक से या जब मैं वीडियोज अपलोड नहीं कर रहा था उस दौरान मैं ये गेम प्ले बना रहा था, मतलब गेम खेल रहा था, तो तब बहुत ही एक नई गेम जो मैंने स्टार्ट किया है, न्यू गेम एज इन न्यूली रिलीज गेम नहीं है, वो थोड़ी पुरानी गेम है लेकिन बहुत ही अमेजिंग गेम है, जिसका वीडियो मैं बहुत ही जल्द लाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा जल्द। वो आज भी आ सकता है या तो कल भी आ सकता है, तो नॉट श्योर कब आएगा लेकिन आज या कल आ जाएगा। तो अपडेट रखना, नोटिफिकेशन आता रहेगा, सब्सक्राइब कर देना एंड मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड सी यू सून गाइस, बाय।